बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ नाम जफ़र, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ए टू जेड टीवी। दोस्तों, पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन की सहूलत के पेश नज़र इनकी तस्वीर और वीडियोस को प्राइवेसी और ऐप की मेमोरी के लिए व्यू वंस का फीचर मुतारिफ कराया। नए फीचर के तहत अब भेजी जाने वाली तस्वीर या वीडियोस एक बार खुलने के बाद चैट से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी को ऐसी तस्वीर या मालूमात भेजना चाहें जिसके बारे में आपको यकीन नहीं कि भेजना चाहिए या नहीं, तो आप ये व्यू वंस के फीचर को इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। इससे वो शख्स इसे महज एक बार खोलकर देखने का अहल होगा। दूसरी जानिब दोस्तों, अमेरिकी मोबाइल कंपनी एप्पल ने आईफोन सार्फिन की डिवाइस में मौजूद बच्चों के जिंसी इस्तेसार पर मबनी तस्वीर की तलाश करने का सिस्टम बनाने का ऐलान किया। कंपनी का कहना है कि नया सिस्टम सार्फ के आईफोन को स्कैन कर सकेगा। अगर बच्चों के जिंसी इस्तेसार से मुतलिक तस्वीर हुई तो इसे कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिपोर्ट करेगा। दोस्तों, दूसरी जानी माहरीन ने नए सिस्टम पर प्राइवेसी खदशात का इजहार किया है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।